रमन भाई, पहले तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ जो टेक्निकल हैं। आज हम जो बुनियादी लेक्चर है उस पर बात करेंगे कि हमें बिजली क्यों उसकी ज़रूरत महसूस हुई और ये कैसे हमने बनाई। तो हम बेसिकली हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और वो पता नहीं कितने सौ साल जन्नत में रहे हैं, तो वो लग्जरी लाइफ गुजार के आए हैं। जब वो ज़मीन पे आए तो वो जीन्स तो हम में ट्रांसफ़र हो गए ना लग्जरी लाइफ के। फिर पत्तों के ये जो फ़ोटो है जन्नत का सिर्फ कि जन्नत कैसी होती है। फिर ज़मीन पे आ गए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो यहाँ तो सर्दी गर्मी चार मौसम हैं। फिर पत्तों से ढांकना शुरू कर दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता आदम की औलाद बढ़ना शुरू हो गई, सर्दी भी लगने लगी गर्मी भी लगने लगी। दिन और रात का भी असर, क्योंकि इंसान रात को देख नहीं सकता तो उसको तो लाइट चाहिए। अब सियाणे मिल बैठे कि भाई लाइट का बंदोबस्त करें, तो फिर उन्होंने सबसे पहले जो है ये जो मशाल है इसका इस्तेमाल किया, क्योंकि गारों में रहते थे तो गारों में तो जो रास्ते होते हैं बड़े तंग और अंधेरा होता है, तो सबसे पहले मशाल का इंतज़ाम हुआ। पत्थरों से लाइट आग जलाने के लिए पत्थरों या वो बांस के लकड़ों को घिसा घिसा के उससे आग जलाते थे। फिर पत्थरों पे आ गए, फिर मशाल जलाना शुरू कर दिए, क्योंकि आदम की औलाद जब सफ़र करती है तो दिन दिन में रात में वो जहाँ रात पड़ गई वहाँ पड़ाव डाल दिया। तो बैठ गए, इन्होंने सोचा कि कुछ दादा तो जन्नत में रह के आए हैं, जो सोचते थे वो होता था, यहाँ अब हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहले अपने जिस्म को पत्थरों से ढांका, फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते गए। इसी तरह लाइट का बंदोबस्त हुआ। ये जो बाहुबली फिल्म है, कितना बड़ा महल है लेकिन वहाँ बिजली थोड़ी थी, यही मशल्स थी और पूरा महल रोशन होता था, ये तो देखी होगी ना। तो ये मशल्स पुराने पाकिस्तानी फिल्मों में गारों में यही मशल्स राहदारी में लगी होती थी ताकि रात को सफ़र कर सके। फिर मशल से लालटीन पे आ गए, लालटीन से टॉर्च पे आ गए, ऐसा ना? अब टार्च जो सबसे पहली इन्वेंट हुई वो ड्राई सेल, क्या ड्राई सेल, यह जो ड्राई सेल है जो रेडियो में या टार्च में होता है, इसमें इसके अंदर जो है ये एक कार्बन की रॉड है और मैग्नीशियम पाउडर है काला वाला, नौशादर की लई है, गत्ता लगाया, राड के ऊपर पीतल की टोपी चढ़ा दी और पैंदा जो है वो जिस्क है। तो यह साइंसदान जो उस टाइम जिन्होंने ये तो पहला जो सोर्स था बिजली का वो ये ड्राई सेल था। तो वो केमिकल रिएक्शन से पॉजिटिव आयन पीतल के टोपी में जमा हो जाते थे और नेगेटिव आयन जिस्क के पैंदे में जमा हो जाते थे। तो वो आप दुकानदार के पास जाए ना बल्ब लेने या सेल लेने, तो वो ऐसे बल्ब लगा के आपको सेल की एफिशिएंसी चेक कराते हैं कि बल्ब जल रहा है कि मतलब सेल एक्टिव है। इसकी ताकत जो थी वो 1.5 वोल्ट। अब 1.5 वोल्ट जो है वो एक दिन दो दिन रात की टार्च जलाई तो डिस्चार्ज ख़त्म। फिर मिल बैठ के कि नहीं कुछ और इंतज़ाम करना चाहिए। फिर इन्होंने वोल्टाइज सेल
ये मैं एटम का फिर बाद में जिक्र करता हूँ। वोल्टाइक सेल बनाया, एक एक शीशे का जार लिया, उसमें गंधक का तेजाब डाला और एक कोने में पीतल की प्लेटें रख दी, एक कोने में जिस की प्लेटें रख दी, वो ड्राई सेल का नकल करते हुए और गंधक के तेजाब से केमिकल रिएक्शन से पॉजिटिव आइंस पीतल की प्लेट में, नेगेटिव आइंस जिस की प्लेट में। ये जो मोटरसाइकिल में बैटरी होती है इसको वोल्टाइक सेल भी कहते हैं, या कार में जो बैटरी होती है इसको वोल्टाइक सेल, असल में वो जो साइंसदान था वोल्टा, उसी के नाम पे बैटरी का नाम वोल्टाइक सेल। तो इसकी ताकत 1.5 से बढ़ के 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट बन गई। वो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए था ड्राई सेल, तो ये 15 दिन के लिए हो गया, फिर ये भी डिस्चार्ज हो गई। तो इतने में 6 सदी के करीब एक जमींदार जो है वो हल चला रहा था ज़मीन पे, किसान, तो उसके हल के साथ एक बड़ा पत्थर आके चिपक गया, तो वो उठा के ले आया गांव में। तो उस टाइम इल्म तो इतना नहीं था, लेकिन नेचुरली जहीन लोग, गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं गांव में, जो सियाणा होता है, उसको जाके दिखाया कि सही ऐसे ही है, मेरे हल के साथ चिपक गया, मैं तो आज हल भी नहीं चला सका, ये उठा के ले आया हूँ। और वो भी 3-4 बंदे कर इकट्ठे कर गए, उनके वो फिलहाल 2 गांव छोड़ गए, तीसरे गांव में मेरे से ज़्यादा सियाणा है उसके पास चलते हैं। तो उसके पास गए, उसने बताया कि ये कुदरती मकनातीस है, इसमें लोहा, कोबाल्ट और ऐसी चीज़ों को खींचने की सलाहियत इसमें है। अब ये इसने कैसे समझा, क्योंकि इससे पहले शीशे की डंडी को आप रेशमी कपड़े के साथ मस करें तो वो ऐसे रखें तो बाल सारे सीधे हो जाते थे, या जैसे खुश्क बालों में आप कंघी करें और कंघी को ऐसे रखें तो बाल सारे पश्चिम जो है वो, तो उससे उसने कंसेप्ट किया कि वो जो कशिश का अमल है वो इसमें है। तो फिर उसने उसका नाम रखा नेचुरल मैग्नेट। अब ये इन्वेंट हो गया नेचुरल मैग्नेट। अब नेचुरल मैग्नेट की जो है वो खसूसियात हैं, ये लोहा कोबाल्ट वगैरह को ये दाते हैं, ये मोसल और गैर मोसल कंडक्टर और इंसुलेटर, उसमें कौन सी दाते होती हैं, ये ड्राई सेल है, ये वोल्टाइक सेल है, ये मकनातीस। अब ये जो मकनातीस है इसकी 14 खासियतें, कितनी हैं ये आपने मैट्रिक और इंटर के फिजिक्स में पढ़ा भी है, वो लेबॉरेटरी में तजुर्बा भी किया। तो इसकी 14 खासियतें हैं। एक खासियत ये है कि इसके 2 सिरे होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जुनूबी कुतुब और शुमाली कुतुब, सिंध में कहते हैं दक्षिण कुतुब और उत्तर कुतुब। तो ये ज़मीन में भी हैं, तो ज़मीन सबसे बड़ा नेचुरल मैग्नेट है। फिर वो जो मैग्नेट है, जो परमानेंट मैग्नेट है, फिजिक्स लैब में स्कूल कॉलेज में होते हैं वो, ये वाला 2 पोर्शन बने ना, एन और एस। अब इसकी जितनी ताकत है वो लोहे का जो बूरा है वो उसको अपनी तरफ कशिश करता है, तो जितनी एरिया में कशिश करता है वो इसका मकनातीसी मैदान होता है। ये इसकी दूसरी खासियत है। इसमें फिर लहरें निकलती हैं, ये कशिश करने का अमल, ये भी आपकी फिजिक्स लैब में होता है, ठीक है जी। ये जो गोल दायरा है ये मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये लहरें शुमाल से निकलती हैं, जुर्म में जाती हैं, ठीक है। अब जितना ताकतवर होगा उतनी मकनातीसी लहरें ज़्यादा होंगी, जितना ताकतवर नहीं होगा, कमज़ोर होगा, उतनी मकनातीसी लहरें, ये आगे जाके आपके जनरेटर में जो अमल होता है इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे कंसेप्ट लिया है, ठीक है। फिर इसके जितने टुकड़े करो उतने, हर टुकड़ा अलग मकनातीस होगा, जैसे वो बचपन में लाउड स्पीकर का मकनातीस तोड़ के बांटते थे, आजकल तो मैग्नेटिक बॉल्स आ गए हैं,
मार्केट में बच्चे खेलते रहते, तो वो बचपन में हम देखते थे कि एक सिरा दूसरे सिरे को मिलाने की कोशिश करता, नहीं मिलता था, ऐसे स्लिप हो जाता था और दूसरा मुखालिफ करो तो एकदम चिपक जाता था। तो वो स्कूल में आगे पता चला कि वो क्यों नहीं चिपकते थे, तो ये पता चला कि सेम पोल रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को धकेलते हैं, मुखालिफ पोल एक दूसरे को कशिश करते हैं, एकदम चिपक जाते हैं। एक जैसे पोल आप पूरी कोशिश करो नहीं मिलेंगे, तो इससे ये जाहिर हुआ कि डिफरेंट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, सेम पोल रिपेल ईच अदर, ये खासियत हो गई। फिर मकनातीस के साथ मस करो, वो रेडियो मैकेनिक के पास या टीवी मैकेनिक के पास जाते थे तो वो छोटे वाले जो नट जो नहीं जाते थे तो वो स्पीकर के साथ पेशकश को मस करके फिर नट उठा के डालता था। आजकल तो मैग्नेटिक टेस्टर आ गए हैं, मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर आ गए हैं, तो ऐसे उठाओ, और पहले नहीं था, पहले ऐसे मस करते थे। तो इसका मतलब है कि लोहे के टुकड़े के साथ मकनातीस को मस करने से उसमें मकनातीस की खासियत आ जाती है। सेम पोल रिपेल ईच अदर और डिफरेंट पोल अटैक्ट ईच अदर, सही है। ये धक्का दे रहा है वो कशिश कर रहा है, अटैक्ट और रिपेल, सही है। फिर इस तरह करके 13 खासियतें, चौदहवीं खासियत ये है, वो ये है कि किसी भी लोहे के कील के ऊपर आप बैटरी डीसी सप्लाई दें तो जब तक वो डीसी सप्लाई होगी, डिस्कवरी में आप देखते होंगे कि बड़ी बड़ी क्रेनें, वो जो कारों की कबाड़ की यार्ड होती है तो वहाँ क्रेन का छक्का जाके इधर खड़ा होता है और फिर क्रेन ऑपरेटर उसमें डीसी सप्लाई देता है तो सारे लोहे की चीज़ें उसके साथ चिपक जाती हैं और वो उठा के ऐसे ट्रक के ऊपर डीसी सप्लाई बंद करता है तो मकनातीसी खासियत ख़त्म हो जाती है और वो ट्रक में सामान अनलोड हो जाता है। तो जब तक कील को डीसी सप्लाई देंगे तो ये मकनातीस बन जाएगा। इस मकना इसका नाम रखा इलेक्ट्रोमैग्नेट, बर्की मकनातीस इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। फिर क्या हुआ, समझ रहे हैं ना तस्वीर से, ये फिर माइकल फिराडे आ गया, वो टॉर्च, वो जो डंडी वाली कशिश काम्बल, फिर नेचुरल मैग्नेट, फिर ड्राई सेल, फिर वोल्टाई सेल, लेकिन अभी तक इंसान की वो तस्कीन नहीं हुई जो वो चाहता है। अब उसको तो गर्मियों में सर्दी चाहिए, सर्दियों में गर्मी चाहिए, लग्जरी लाइफ, वो जो जीन्स ट्रांसफ़र हुए हम में इसी वजह से हुए हैं, है ना। तो गर्मियाँ होती है एसी चलाते हैं, सर्दियाँ होती हैं तो हीटर चलाते हैं। अब लेकिन वो जो बिजली का बंदोबस्त है वो तो परमानेंट होना चाहिए ना। तो माइकल फिराडे ने 1720 में जाके इन्वेंट किया, बड़ी कोशिश के बाद, कि किसी भी मकनातीसी मैदान में तार को हरकत देने से वो जो गैल्वेनोमीटर है उसमें हल्की सी जुम्बश महसूस होती है। गैल्वेनोमीटर बिजली का वो सेंसिटिव मीटर है कि हल्की सी जुम्बश भी बताता है। फिर पता चला कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में तार को हरकत देने से या तार के बीच में मकनातीस रख के मकनातीस को हरकत देने से बिजली पैदा होती है, EMF पैदा होते हैं। तो फिर उसने इसके ऊपर रिसर्च करके इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर रिसर्च करके ये वाला बनाया, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जनरेटर का जो काम करने का असूल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये फैराडे लॉ के हिसाब से कि मकनातीसी मैदान में किसी भी तार को हरकत दें तो बिजली पैदा होती है।
तो उसने ये क्वाइल रखी है, गैल्वेनोमीटर है और मकनातीस है, मकनातीस को आगे पीछे करेंगे तो गैल्वेनोमीटर की सुई हिलेगी। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये वही दूसरा तजुर्बा 1.5 वोल्ट इंडक्शन, ये फिर फिराडेला के हिसाब से। तो इसने सबसे पहले ये डायनमो बनाया, ये वाला जो कि क्या ये चाइना की साइकिल में पीछे लगा होता है, आप जितनी तेज चलाओगे आगे जो टार्च है वो तेज रोशन होगी, स्पीड स्लो करोगे तो रोशनी मध्यम हो जाएगी। तो डायनमो आगे देखते हैं, ये वाला ये 1856 में बना है डायनमो, लेकिन इससे पहले हम वो डायनमो देखना चाह रहे हैं। ये जो डायनमो है ये वाला साइकिल वाला, इसके जो फिजिक है मैं देखता हूँ, वो जो जो ये डायनमो की जो ये जो व्हील के साथ मस होता है पुल्ली लगी हुई है, ये शाफ्ट है, पूरी शाफ्ट जो है ये परमानेंट मैग्नेट है, और वो जो स्टेटर है लगा हुआ है उसमें वाइंडिंग की हुई है, स्टेटर वाइंडिंग। जब वो मकनातीस शाफ्ट की पुल्ली घूमती है तो मकनातीस घूमता है, मकनातीस घूमता है तो स्टेटर मैग्नेटिक वेव्स को कट करता है तो उससे बिजली पैदा होती है जो अगली टार्च में देते हैं। अब क्योंकि मैग्नेट कांस्टेंट है तो बिजली कम ज़्यादा स्पीड की वजह से हो रही है, साइकिल की स्पीड ज़्यादा करेंगे तो अगली राइट तेज रोशन होगी, जितनी तेज दौड़ा सके, बचपन में हमने दौड़ा ही है, और जितनी स्लो करेंगे तो लाइट आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो जाएगी। इसका मतलब है कि हरकत कम ज़्यादा करने से बिजली कम ज़्यादा होती है क्योंकि मैग्नेट कांस्टेंट है। आपके जनरेटर में उल्टा है, हमारी हरकत कांस्टेंट है, मैग्नेट को कम ज़्यादा करते हैं तो मेगावाट कम ज़्यादा, उधर मैं कंसेप्ट ले आ रहा हूँ। ये जो साइकिल का व्हील है इट इज़ अ प्राइम मूवर ऑफ डायनमो, डायनमो को घुमाने वाला पुर्जा व्हील जिसकी वजह से डायनमो हरकत करता है और बिजली पैदा होती है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, जनरेटर ले आए, ये टेस्ला ने 1856 में जाके, अब 1720 में डायनमो इन्वेंट हुआ, कितना 100 साल से 130 साल लग गए डायनमो को कन्वर्ट करने में जनरेटर में, जो आज का जनरेटर आपके पावर हाउस में है इसको डायनमो से जनरेटर में कन्वर्ट करने के लिए 130 साल लग गए। शेप वही है, सोर्स तब्दील हो गया, अब आपका जो रोटर है वो परमानेंट मैग्नेट नहीं है, और इतना परमानेंट बड़ा जो आपका जनरेटर का रोटर है इतना परमानेंट मैग्नेट तो किसी के पास भी नहीं है इतना बड़ा। तो फिर वो जो 14वीं खासियत थी मकनातीस की उसको अमल में लाते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया, वो जो आपका जनरेटर का रोटर है उसमें कार्बन बुश लगे हुए हैं, स्लिप रिंग्स लगी हुई हैं, एक्साइटेशन वोल्टेज देते हैं, डीसी वोल्टेज देते हैं 415-425 वोल्ट है ना, तो उससे रोटर को मैग्नेटाइज करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, एक बनेगा तो नॉर्थ पोल साउथ पोल, हमारा टू पोल जनरेटर है तो एक ही मैग्नेट होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसलिए टू पोल जनरेटर कहते हैं। अब इसको जो हरकत देने वाला, अब ये साइकिल से तो चलेगा नहीं तो बड़ा भी व्हील लगाना पड़ेगा, तो बड़ा व्हील के लिए फिर हमने क्या किया, टरबाइन लगाई, और टरबाइन विंड लगाए। आज के दौर में टरबाइन 5 किस्म, गैस टरबाइन, स्टीम टरबाइन, हाइड्रल टरबाइन, ठीक है, विंड टरबाइन,
और टाइडल टर्बाइन, ये पांच, और कोई नहीं। विंड हवा से चलती, अल्लामिया की हवा है उससे वो व्हील घूमता है या पंखा घूमता है तो जनरेटर बिजली पैदा करता है। हाइडल से पानी ऊपर से गिराते हैं हाइडल टर्बाइन में तो जनरेटर घूमता है बिजली पैदा होती है। टाइडल, टाइड कहते हैं समंदर की लहर को, इसलिए टाइडल टर्बाइन कहते हैं। वो समंदर के नीचे भी लगाते हैं समंदर के ऊपर भी, तो समंदर की लहरों से वोटर पंखा घूमते हैं बिजली पैदा होती है। फिर गैस टर्बाइन, फिर स्टीम टर्बाइन, स्टीम बना के स्टीम टर्बाइन चलाओ तो जनरेटर चलेगा। सारा कंसेप्ट तो जनरेटर को रेटेड स्पीड पे चलाना है ताकि बिजली, अब हमारी 50 हर्ट्स है, अगर टू पोल जनरेटर है तो 3000 प्राइम मूवर की टर्बाइन की स्पीड होनी चाहिए, अगर चार पोल है तो 1500, क्योंकि लेनी 60 है 50 हर्ट्स हमारे ग्रिड की फ्रीक्वेंसी, इससे ऊपर हम नहीं कर सकते। अगर 16 पोल है तो 750, 32 पोल हैं तो 325, ऐसे नंबर ऑफ पोल बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ टर्न जो हैं वो कम होते जाएंगे, लेकिन जो आउटपुट है वो तरबेला, मंगला, वार्षक, विंड, गैस टर्बाइन, स्टीम टर्बाइन, कंबाइन साइकिल सारे तो ग्रिड में जा रहे हैं ना, जिसको हम NPCC नेशनल कंट्रोल सेंटर या नेशनल ग्रिड जो जिसको कहते हैं, सारे सिंक्रोनाइज हैं आपस में। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है और घरों के वोल्टेज 220 हैं। बाकी पंखा है, टीवी है, सबके वाट, मोटर है, इनके वाट अलग हैं, ताकत अलग है, लेकिन दो चीज़ें कॉमन होती हैं। ठीक है, ये यहाँ तक बात समझ में आ गई कि बिजली कितने 100 साल लगे। 1856 में पहला जनरेटर स्टीम इंजन के थ्रू, तो 1800 साल तो ये हो गए ईस्वी, 1800 साल तक हमारे पास परमानेंट बिजली का कोई इंतजाम, लेकिन इससे पहले वो जो AD है, बिफोर BC है, बिफोर क्राइस्ट, वो कैसे करते थे, जो पत्तों के दौर में रहते थे, जिस दौर में डायनासोर वगैरह होते थे, तो वो यही इंतजाम लोकल जो होता था वही लाइट का बंदोबस्त, मशल्स वगैरह। तो परमानेंट लाइट का जो बंदोबस्त हुआ, आदम की औलाद 1800 साल की मेहनत के बाद जो है एक परमानेंट सॉल्यूशन पे आ गई कि 24 घंटे उनको बिजली मिलना शुरू हो गई। इससे पहले ये सारे टेम्पररी अरेंजमेंट पे थे। अब ये जो कंडक्टर मोसिल, नीम मोसिल, सेमीकंडक्टर, ये कैसे इन्वेंट हुए, ये जो अल्लामिया की कायनात है ना, ये इसको हम कहते हैं मैटर वर्ल्ड, मादी दुनिया। ये दुनिया जो है मादा से बनी है। मादा की तीन हालतें, ठोस, माया, गैस, ये पढ़ा है आप, ठोस, माया, वो जो बर्फ और पानी और बुखार आते हैं। अब कायनात पे नज़र रखो, या तो आपको पहाड़ और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिलेंगी, ये ठोस शक्ल है, दरिया, समंदर, ज़मीन के नीचे, ज़मीन के ऊपर जो लिक्विड है, माया, तेल, पेट्रोल, डीजल, पानी, ये माया जाता है। फिर गैसेस हैं, बाहर ज़मीन के ऊपर हवा है और नीचे मीथेन, इथेन और दूसरी गैसेस हैं ज़मीन के नीचे, ये जो सुई गैस होती है, ये एक्चुअल है तो मीथेन गैस है, ये यूरोप वाले सुई गैस या नेचुरल गैस नहीं कहते, वो कहते हैं मीथेन गैस, क्योंकि 95% मीथेन होती है, फिर कुछ परसेंट इथेन और हाइड्रोजन और दूसरी गैसेस होती है नेचुरल गैस। तो पूरी कायनात पे नज़र रखो अल्लामिया की जो कायनात है, कि ये मादी दुनिया है। फिर पता चला कि नहीं, मादा तो खुद कुछ नहीं है, ये तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल के मादा की शक्ल अख्तियार करते हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स, पेंसिल के मॉलिक्यूल्स, पहाड़ के मॉलिक्यूल्स, हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स,
तो बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल के मादा की शक्ल अख्तियार करते हैं, या तो वो ठोस में होती है या लिक्विड में होती है या गैसेस में होती है। फिर काफी देर तक ये कहते रहे कि ये मॉलिक्यूल ही दुनिया है, फिर कहा कि नहीं, मॉलिक्यूल खुद तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत सारे एटम मिल के मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ये एटमी दुनिया है। फिर अब हम कहते भी हैं कि एटम हर जगह नौज बिल्ला पाया जाता है, ये रबड़ में भी एटम है, प्लास्टिक में भी एटम है, हैं, ये जो हम सांस ले रहे हैं इसमें भी ऑक्सीजन के एटम अलग हैं, नाइट्रोजन के अलग हैं, हाइड्रोजन के अलग हैं, हैं, ऐसे लिक्विड में एटम है, ऐसे हर चीज़ में एटम है, हर चीज़ एटम से बनी हुई है। वो चाक को आप ऐसे मसल के वो रखो ना, तो उसमें भी लाखों एटम होंगे। खुर्दबीन से जाके देखा कि छोटे से छोटा जो ज़रा है वो एटम है। फिर कहा नहीं भाई, एटम भी इसके तो तीन बुनियादी ज़रात हैं, ये मिलेंगे तो ये बनेंगे। तो फिर एटम को तोड़ा तो उसके सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकले मरकज में, और उसके जो आखिरी ऑर्बिट है एस में एटम की तस्वीर, हाँ पहले थी ना, जो आखिरी ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेंटर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अब जो सेंटर में है वो तो टूट नहीं सकते, तो हमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि वो आखिरी ऑर्बिट में होते हैं, सेंटर से दूर होते हैं, तो वो टूट सकते हैं। तो हम जो बिजली है उसको कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन का बहाव बिजली कहलाता है किसी भी तार में। अब तार भी कंडक्टर है, वो किसका बना हुआ है, वो कंडक्टर की जो खासियतें बताई कि जिसमें से एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन गुजर जाएं वो कंडक्टर कहलाते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन ना गुजर सकें वो इंसुलेटर कहलाते हैं। अब कंडक्टर कौन से हुए, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, अल्मोनियम, और लो कैडर का जो कंडक्टर है वो आयरन है, लोहा। फिर इसकी कंडक्टिविटी कि कितनी इसमें कंडक्टिविटी है, कितनी इसमें रेजिस्टिविटी है, तो सोना, चांदी और अल्मोनियम में रेजिस्टिविटी ज़ीरो है, बाकियों में थोड़ी रेजिस्टिविटी बढ़ती जाती है, किसी में 95 है, किसी में 75 है, किसी में 25 है, किसी में 30 है, इसी तरह जो लो कैडर का मैंने आयरन लोहा बताया उसमें 75% रेजिस्टिविटी है, तो कंडक्टिविटी कितनी बची, 25%। तो इधर अगर 100 इलेक्ट्रॉन देंगे तो दूसरी एंड पे 25 मिलेंगे, सोने में इधर 100 इलेक्ट्रॉन देंगे तो दूसरे सिरे पे 100 मिलेंगे, क्योंकि रुकावट, रेजिस्टिविटी कहते हैं रुकावट, उसमें रुकावट नहीं है तो सारे के सारे आउट हो जाते हैं। जैसे जैसे रुकावट बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन की मिकदार दूसरी एंड में कम हो जाएगी। फिर सेमीकंडक्टर बना के बड़ी तंगी के बाद जो है ना, ये बाइंडिंग्स होती है ET115 में है, बाइंडिंग लेवल्स हैं, तो उसमें ये कंडक्टर की बाइंडिंग लेवल इंसुलेटर की और सेमीकंडक्टर की, तो बड़ी तंगी के बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन पास होते हैं। तो ये जर्मीनियम और सिलिकॉन वगैरह ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में ज़्यादा सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होता है, क्योंकि इतने वोल्टेज चाहिए, इतने नहीं चाहिए। बाकी मोसिल और गैर मोसिल, ये लोहा, लकड़ी, शीशा, प्लास्टिक, रबड़, ये जो है ये इंसुलेटर हैं, इनमें से बिजली पास नहीं होती, कंडक्टर में से बिजली पास हो जाती है। तो इस तरह करके ये अलमिया की जो कायनात है उसमें से हमने ये, अब इससे ये हुआ कि हमने जो जनरेटर से बिजली बनाई
वो आज आदम की औलाद इस्तेमाल कर रही है। अब सांस लेने के अलावा बाकी सारे काम तो हम बिजली से करते हैं। वो जो औरतें हैं वो आटा भी बिजली से गूंथती हैं, रोटी पकाने वाले बिजली वाले आ गए, खिलौने बिजली पे आ गए हैं, वाक करने वाली मशीन भी बिजली पे आ गई। तो अब सिर्फ सांस है, वो भी आईसीयू में जाओ तो वो भी बिजली पे आ जाता है, वरना अगर आप बाहर हैं आईसीयू से तो सिर्फ आप सिर्फ सांस अपनी मर्जी से लेते हैं, बाकी सारे काम आप। अब ये सिर्फ वो जो जीन्स थे आदम अलैहिस्सलाम के, उसको 1800 साल लग गए वो जो ईसवी है, बाकी पहले पता नहीं कितने सौ साल थे। तो वो जो मेहनत थी कि लग्जरी लाइफ कैसे गुजारनी है, दादा तो वहाँ जन्नत में रह के आया है, तो वो जीन्स तो ट्रांसफ़र हुए हैं हम में, तो हमें भी लग्जरी लाइफ चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, ठंडा पानी भी चाहिए, गर्म चाय भी चाहिए, एसी भी चाहिए, हीटर भी चाहिए सर्दी गर्मियों के हिसाब से। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और इसको शेयर भी करें, दोस्तों को भी बताएं। इसमें कोई कमी कोताही हो तो मुझे कमेंट्स करके बता दें। आपका बहुत शुक्रिया। मेरे वीडियो को, पेज को लाइक करें। थैंक यू।